तेरापन सभा भवन बोरावड से जैन संत मुनि चैतन्य कुमार अमन एवं मुनि सुबोध कुमार ने जन कल्याण के लिए ग्राम सबलपुर के लिए पैदल विहार किया। स्थानीय जैन समाज बंधुओं और श्रद्धालुओं ने संतजनों का स्वागत कर आशीर्वाद लिया और मंगल यात्रा की कामना की। जैन संत पैदल चलकर सबलपुर ग्राम पहुंचकर वहां विश्राम करेंगे। दूसरे दिन लडोली ग्राम और उसके बाद लाडोली से बड़ू गाँव जाएंगे, जहाँ लगभग एक सप्ताह रहेंगे। मुनि चैतन्य कुमार अमन व मुनि सुबोध कुमार अमन ने मंगल पाठ सुनाते हुए शावकों को कहा कि पूर्णोदय व शुभ कार्यों के उदय से ही संतों का सानिध्य मिलता है और हम धर्म साधना की ओर प्रवृत्त होते हैं। भारतीय संस्कृति में सत्संग की आदर्श परंपरा है। सच्चा साधक निरंतर आत्मरमण और प्रभु स्मरण में लीन रहता है। आत्मरमण से इसे भवसागर को पार किया जा सकता है। प्रमाद, क्रोध, मान, माया व लोभ, इन कषायों की निर्जरा एवं पुरुषार्थ करने से ही आत्मकल्याण संभव है। साधक को लक्ष्य के साथ साधना करनी चाहिए, क्योंकि दिशाहीन यात्री कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। संतों का सानिध्य मिला है। समय का सदुपयोग करते हुए धर्म आराधना त्याग तपस्या करने का पुरुषार्थ कर आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन भवनलाल मेघवाल, विकास चोरडिया, कैलाश गेलडा, रमेश लोडा सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे।